फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम देखिए इस तरह के फ्लावर्स बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने 8 नंबर मोती लगाया है, 5 मैंने इसमें पत्तियां रखी हैं। इस तरह का फ्लावर बनाकर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर लगा सकते हैं, थाल पोष पे लगा सकते हैं, आप लड्डू पाल जी की ड्रेसेस पे लगा सकते हैं, बंधनवार पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जिस धागे के साथ मैंने मोती लगाया है उस धागे को मैंने पीछे से कट नहीं किया है, क्योंकि जहाँ पर भी हमने इसे लगाना है इसी धागे के साथ इसे अटैच कर देंगे। नहीं तो आपको बार बार थ्रेड लगाना पड़ेगा और उतने ही थ्रेड आपको बाद में यहाँ पर एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो इस धागे को आप कट ना करें और जहाँ पर भी लगाना है इसी के साथ लगा लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm, और साथ में मैंने यहाँ पर 4 प्लाई की वूल ली है। 3 प्लाई के साथ भी आप बनाएंगे तो सेम इसी साइज का इतना ही बनेगा। मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा धागा छोड़ दिया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चेन आई हमारे पास, ये 2 3 4 5 6 मैंने चेन ली। 6 चेन लेकर जो फर्स्ट हमारी चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये वाला जो धागा है इसे इस धागे के ऊपर घुमा देंगे ताकि ये लूज ना हो। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए हमने। 4 चेन लेकर ये जो हमारा छोटा सा सर्कल है इसमें अब वर्क करेंगे। धागा लिया हमने, ये देखिए धागा लिया, फिंगर रखेंगे ताकि यहाँ से हमारा फंदा छोटा ना हो, इस तरह से इसे बड़ा कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी लंबा मैंने फंदे को कर लिया ताकि यहाँ पर जो हमने पत्ती बनानी है वो बड़ी पत्ती बने ज़रा, तो इसलिए फंदे को बड़ा रखेंगे। फिर धागा लिया दूसरी बार, फिर तीसरी बार धागा लिया। जब धागा लेते हैं तो ये फिंगर रखते हैं ताकि जब आप इस तरह से बीच में क्रोशे डालेंगे तो आपका फंदा छोटा ना हो। ये थर्ड बार हमने धागा लिया, फिंगर रखेंगे, और ये 6th बार, 6 बार हमने यहाँ पर धागा लिया है। इस सर्कल को पकड़ेंगे, ये सारे स्टिच निकाल देंगे इसमें से। देखिए ये हमारे सारे स्टिच यहाँ पर लूज हैं। एक चेन लेकर इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेकर यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे, 4 चेन लिए मैंने, धागा लिया, इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे, फिंगर रखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। इसके बाद ये सारे के सारे स्टिच निकाल देंगे, फिर 1 चेन लेकर इस तरह से इन्हें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर 4 चेन लेंगे। पहले हमने फंदे को कंप्लीट करना है, जो हमारे ये सारे स्टिच लूज हैं, 1 चेन लेकर उसे मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद हमने 4 चेन ली। ये देखिए फिर से 1 2 3 4 चेन लिए, 1 2 3 4 5 6 पहले हमने 1 चेन लेकर इस स्टिच को कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट हुआ, कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर 4 चेन लेने हैं, इस तरह से। तो इस तरह से 2 पत्तियाँ मैं और बनाऊंगी। 3 मेरी पत्तियाँ कंप्लीट हो गई, 2 और बना के फिर दिखाती हूँ। तो 5 देखिए, 1 2 3 4 5 पत्तियाँ कंप्लीट हो गई। 4 चेन लेंगे और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद 1 चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए 5 पत्तियों का हमारा फ्लावर बन गया। शुरू में हमने धागा, देखिए जब हमने स्टार्ट किया था तो धागा हमने थोड़ा सा बड़ा रखा था, इसमें मैं ये सुई पिरो लूँगी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सुई पिरो ली है। देखिए बैक साइड हमारा जो शुरू वाला धागा था उसी को मैंने पिरोया है। यहाँ से हम इसे ले आएंगे, सीधी साइड ऊपर वाली साइड में ले आई। यहाँ पर इसे इस तरह से मोती को लगा लेंगे। एक बार आप इसे और मोती को पक्का कर दें। देखिए इसे यहाँ पर आप पीछे धागे को पक्का कर दिए और इसे आप पक्का कर देंगे और इसे आप एडजस्ट करेंगे ये जो साइड में धागे होंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर तैयार हो गया। इस तरह के जितने आपको फ्लावर चाहिए उतने आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। ये मजेंटा कलर में है, वाइट में है, ये रेड में है और ये येलो में है। और एक बात यहाँ पर देखिए, जिस धागे के साथ हमने ये मोती लगाया है उस धागे को मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने लगाना है तो इसी धागे के साथ हम इसे वहाँ पर अटैच कर देंगे। मैंने ये फ्लावर बनाए हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए। आप इस तरह से बनाकर कहीं भी लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।